48 दिन तक उन लोगों ने जिस्म के पूरे कपड़े निकाल करके हमको उल्टा लेटा करके हमारे पीछे साइड और तलवों पे पीटा जाता था, डंडों से मारा जाता था कि ताकि उनके बनाए हुए कन्फेशन पर हम दस्तखत कर दें और उनकी बात को हम मान लें, उनके बनाए हुए प्लान को हम कबूल कर लें। दो हज़ार छः से ले कर दो हज़ार ग्यारह तक हम 5.5 साल तक जेल में रहे। इसमें हमारे साथ बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। जेल के मामलात भी हमारे साथ शुरुआत में बहुत ही खौफनाक थे। जेल ऑफिसर भी ATS और CBI के कहने पर हम पर जुल्म किया करते थे। मेंटल हरेसमेंट इस तरह हुआ करता था कि वो गैर मुस्लिम जो कैदी हुआ करते थे उनको हमारे खिलाफ़ लगा दिया करते थे। बहुत से ऐसे लोग होते थे कि हमको धमकियाँ दिया करते थे कि हम ऐसे लोगों को काट डालते हैं, मार डालते हैं। मैं रईस अहमद रज्जब अली, मालेगांव से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं 2006 मालेगांव बड़ा कब्रिस्तान में जो बम ब्लास्ट हुआ था उस केस में मुझको बेगुनाह फंसाया गया था। हम लोग बैटरी का कारखाना स्टार्ट किए पार्टनरशिप में। सिर्फ बैटरी नहीं बनाते थे हम लोग, प्लेट भी बनाते थे, प्लेट की मैन्युफैक्चरिंग करते थे। और वो प्लेट ऐसी रहती है साहब कि उसको चार्ज करना पड़ता है। लेकिन राजवर्धन साहब जो है रात में आए 12 बजे और एकदम वो फैक्ट्री में अंधेरा था, एक बल्ब सिर्फ जल रहा था, उसका कोई माने नहीं रखता और मैं अकेला था उस फैक्ट्री को उनको बताने वाला। जो प्लेट हम लोग चार्जिंग के लिए लगाते थे उसको उन्होंने बढ़ा चढ़ा के ये बम से कनेक्ट कर दिया। ये लोग बम बनाते और वहाँ पर सोल्डिंग करते, जो मसाला प्लेट में यूज़ होता था उसको इन्होंने IDX बता दिए। इस तरीके से हमारे कारखाने से पूरी स्टोरी बनाकर मीडिया को दिए और मीडिया में ये भी बोला गया एजेंसी की तरफ से कि हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं। हमको जब यहाँ से उठाए रात में 4:30 बजे ये बोल के उठाए कि तुमसे साहब कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। तो मैं बोला इतनी रात में, मैं सहरी खाने ही बैठा था, रमज़ान का महीना था। मैं बोला इतनी रात में, बोला मैं सुबह आ जाता हूँ साहब। बोले नहीं अभी चलना पड़ेगा। हवलदार मुझको लॉकअप की तरफ लेके बढ़ा। उसने पूछा तुम सीमी में थे क्या? मैं बोला नहीं। तो उसने मुझ पर ऐसा ठपठपा के बोला चल तेरे को सीमी केस में डालेंगे। और मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि हो क्या रहा है मेरे साथ। रघुवंशी जैसा एक सीनियर ऑफिसर के ईद के दिन आ करके मुझको बरहना करके मारा और जितने हवलदार जितने ऑफिसर उसके साथ थे उनको ये कहते हुए बोले कि आज ईद है इसकी, हम साथ मिलकर खुशियाँ मनाएंगे। और 2 घंटे तक मुझको पीटा गया, जब तक के मैं बेहोश ना हो गया जब तक के पीटा गया। और उन लोगों ने ईद की खुशियाँ इस तरह मनाई और मुझको ये बोल बोल करके कहा जाता था कि हम तुम्हें फंसाएंगे, तुमको कौन छुड़ाने आता है देखते। ऐसा कोई जानवर को भी नहीं मारता जिस तरीके से उन लोगों ने हाथ पैर बांध के और ड्रिंक किए हुए सिर्फ 1/2 घंटा मारे हैं जब तक बेहोश नहीं हो गया मैं। और सिर्फ उनका जुमला ये था कि लांडिया लोग तुम यहाँ क्यों रहते हो हिंदुस्तान में, तुमको पाकिस्तान जाना चाहिए। बम ब्लास्ट इसका उसका कुछ बात नहीं, सिर्फ मारना, सिर्फ लांडिया लोग बोलना। हमको तो ऐसा लगता था कि हम पुलिस कस्टडी में नहीं है, लगता है कोई ऐसी संगठना है हिंदुओं की, कट्टर संगठना है, उसमें हम हैं, उनके बीच में हम हैं। ऐसा तो लगता नहीं था कि हम ATS या पुलिस के बीच में हैं। ATS, Actual Terrorist Supporters. Raghuvanshi and his team are ATS, Actual Terrorist Supporters. And they are anti-national elements. They only not attacked we 9 persons, they attacked the nation. Attacking the innocent, it is the attack on the nation. So in police custody, to obtain the confession and statement, the police torture. And just like these cases of bomb blast, they use the 3rd degree torture. फिर बेंगलोर हमको ले जाया गया। जो फेक डॉक्टर थी उसके सारे डॉक्यूमेंट्स फेक थे, वो हमारा पूरा नार्को करी है, पूरी सेटिंग थी ATS के साथ,
पूरी ATS लिख के दी थी कि तुमने कब ब्लास्ट किए। जब हम ये बोलते थे कि हमने ब्लास्ट नहीं किए तो वो हमसे बुलवाना चाहते थे, तुम ऐसा बोलो कि ये बम ब्लास्ट हमने नहीं किया। मैंने कहा नहीं, हम लोग इस केस में बेगुनाह हैं। तो उसका जुमला ये रहता था, मैं बताना ही चाहता हूँ, उसका जुमला ये रहता था कि तुम ये बोलो कि ये बम ब्लास्ट हमने नहीं किया। वो चीज़ उसने बुलवा के रही। फिर बाद में हमको समझ में आया कि ये जुमले भी इतना जोर क्यों देती थी वो कि ये बम ब्लास्ट हमने नहीं किया, यानी नहीं हटा के हमने किया, ये ऐड करना था उनको। इस चीज इसके लिए हमको इतना ज़्यादा उस पर जो है तो उसकाती थी वो। The narco test which has been taken by ATS that was absolutely illegal, without court permission they moved, even court was unaware that they took us to Bangalore and anywhere. पूरी स्टोरी ये लोग लिख डाले थे, मुझे नहीं मालूम कि इसमें क्या है, सब मराठी में लिखा हुआ था। तो जब पूरा पेपर रेडी होगा, पूरा बेंच, तो फिर मेरे को ऑफिसर बुलाए हो DIG साहब ऑफिस में, बोले इस पर साइन कर दो राइस। बोला सर इसमें क्या है, बोले तुम्हारे बेगुनाही के पेपर से ये, बोले वही जो तुम स्टेटमेंट दियो वही सब है। इस तरीके से मुझको एक IPS ऑफिसर इस तरीके से, यानी इतना बड़ा फ्रॉड करके मुझसे साइन लिया। और फिर उसके बाद वो मुझे पता भी नहीं था कि ये कन्फेशन है। सिटिंग उनकी इतनी तगड़ी थी ऊपर तक कि मजिस्ट्रेट के सामने जब मुझको ले जाया गया, कन्फेशन का मतलब ये होता है कि मजिस्ट्रेट पढ़ के सुनाए, लेकिन मुझको वो कन्फेशन पढ़ के नहीं सुनाया गया। बाद में ही हमको समझ में आया कि मामला हर जगह मैनेज था, हर जगह से इनका काम होते गया। वो लिफाफा जैसे आया था चेंबूर से कन्फेशन बना हुआ, वैसे ही मजिस्ट्रेट के पास गया, पेक साइन किया हुआ, वैसे ही वो कोर्ट में पहुंच गया। यानी इतना फ्रॉड किया गया हम लोगों के साथ। तहकीकात का रुख बदला हेमंत करकरे साहब ने, उससे ये जाहिर हुआ और फिर दुनिया ने भी देखा कि हम जो शुरू से कहते थे कि हम बेगुनाह हैं, हम बेगुनाह हैं, हम मस्जिद में ब्लास्ट नहीं किए, उसकी सच्चाई सामने आई जब हेमंत करकरे, साध्वी प्रज्ञा सिंह, कर्नल पुरी जैसे लोगों को बेनकाब किया। फिर अल्लाह के फजल करम से असीमन उनकी शक्लों में सन 2010 में उन्होंने कबूल किया ये सारे ब्लास्ट जो मालेगांव से शुरू हुए थे कि ये सारे हमारे ग्रुपों ने किया, असीमन ने इस तरह कबूल किया। तो हमारे केस में ये टर्न आया और उसके बाद हुकूमत इस बात पर मजबूर हुई कि हमारे केस को CBI से लेकर के NIA के हाथ में दिया गया और NIA ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर दी। अब जब ये केस NIA को गया तो NIA ऑफिसर जो है तो कोर्ट से ऑर्डर ली, ये लोग जो है तो हमको साबरमती जेल ले गए, वहाँ पे 2 महीना रख के गांधी SFL में हमारा जो है तो 2 महीने तक टेस्ट चला। और वो टेस्ट हमारा एकदम क्लियर आया। फिर वही टेस्ट को लेके NIA ने जो है तो NOC डाली कि भाई हमको ये मुखालफत नहीं करते, इनकी बेल हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों की बेल हुई है, 2 साल लग गए हम लोगों को डिस्चार्ज होने। NIA हमको कहती थी कि हम दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, हमारे केस में किया तो सही, लेकिन आगे जाके वो दूसरों के साथ नर्म रवैया जो इख्तियार कर रही है, जो हमारी नज़र में मुजरिमीन है उनको भी साथ नर्म रवैया इख्तियार कर रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आज भी गवर्नमेंट हमको ऐसे छोड़ नहीं दी। स्वामी असीमानंद और उसके जितने साथी हैं उनको मक्का मस्जिद ब्लास्ट से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और उनका जो है तो अपील में भी नहीं जाया जाता है ना। हम बेगुनाह होते हुए कोर्ट ने हमको डिस्चार्ज किया है, हमारा जो है तो ट्रायल भी नहीं चला, एजेंसियां हमारी चेंज हुई है और कोर्ट ने हमको डिस्चार्ज किया, उसके बाद भी हुकूमत जो है तो अपील में जा रही है हाई कोर्ट। इस वक्त मुझको ले जाया गया, पहले तो लोग डरे हुए थे, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग भी डरे थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही अड़ोस पड़ोस वाले भी बहुत हिम्मत दिलाए, बोले अगर ऐसा कुछ रहेगा तो बोलना हम कोर्ट चल के गवाही देंगे। यहाँ की खास करके औरतें बोली कि हमको ले चलना कोर्ट में, हम गवाही देंगे कि वो बच्चा बेगुनाह है, वो बच्चा बहुत अच्छा है, सीधा है, हमारी नज़रों के सामने रहता था वो, बोले इस तरीके का वो दिलासा दिलाया। और पूरा शहर हमारे लिए खड़ा था,
ये बेगुनाह है। देखिए अभी जो मेरे दो बच्चे हैं इनकी पढ़ाई को मैं बहुत सोचा था लेकिन इनको पढ़ा नहीं पाया। 10 साल मेरा बर्बाद गया। बच्चे जब मैं छोड़ के गया था तो 6-7 साल के थे, जब आए तो बच्चे बड़े हो चुके थे। उनकी पढ़ाई, घर ही मेरा बहुत मुश्किल से चला है तो पढ़ाई क्या कर पाते। ईच एंड एवरी सर्कमस्टांस विद द पर्सन सफर्स, इट हैज सम इफेक्ट ऑन द माइंड एंड ऑन द बिहेवियर, बट वी लर्न दैट इन द ह्यूमन बीइंग सम आर क्रेल डूइंग रॉन्ग थिंग्स विद अदर्स। So now it's my aim that I should support the persons who have been tortured and who have been arrested. Malegaon mein ek officer tha Malegaonkar karke, pura naam nahi, uska surname Malegaonkar hai. To Malegaonkar ne mujhko ye kaha ki teri umr ke aur naujawan hai jo topi nahi pehante, jo namazein nahi padhte, jo roza nahi rakhte, jo filmein dekhte hain, jo kurta pajama nahi pehante, तू साले बहुत कट्टर मुसलमान है, तू बहुत कट्टर है, हम तेरे जैसे लोगों को फंसाएंगे।